पराधीन भारत का वह कालखंड जबकि एक आक्रांता मुगल वंश अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो वहीं दूसरा आक्रांता अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल के बीच इत्र सुगंध का शहर, हर्षवर्धन और पृथ्वीराज से जुड़ा कण्वज या कन्नौज निवासी कायस्थ परिवार की एक शाखा अपने मूल स्थान से पृथक होकर आधुनिक मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर परगना डबरा से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गई। कालीसिंध और पार्वती नदी के मध्य स्थित यह भूभाग प्रख्यात नागवंश की ऐतिहासिक नगरी पद्मावती अब पवाया है। इससे दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला पर महाभारत कालीन नेषद देश की राजधानी नलपुर थी, जो वर्तमान का नरवर है। इसी अंचल में कायस्थ वंश की यह शाखा बागवही नामक ग्राम में सन 1700 के लगभग आकर बस गई। कन्नौज मूल के होने के कारण यह शाखा कन्नौजिया या कण्वजिया गोत्र से प्रसिद्ध हुआ। बागवही से पुनः एक शाखा निकट ही ग्राम वनहेरी में पहुंची। इस शाखा के ज्ञात आदि पुरुष जमींदार दीवान मोहकम सिंह जू थे। इनके इकलौते पुत्र दीवान यशवंत सिंह जू के 7 पुत्रों में से श्री नंदजू ने 19वीं सदी की आरंभ में नवमी तिथि को जीवित समाधि ली। वह समाधि स्थल आज भी पूजनीय स्थल के रूप में देखा जा सकता है। अन्य में से 3 पुत्रों का वंश आगे नहीं बढ़ सका। शेष 3 पुत्रों में से एक श्री नगजूराम के 2 पुत्र क्रमशः उदयाजीत से परशुराम और उमराव से इंद्रपाल का जन्म हुआ। 19वीं सदी के मध्य में परशुराम और इंद्रपाल दोनों चचेरे भाइयों ने वनहेरी से 1.5 किलोमीटर पूर्व की ओर समचोली नामक ग्राम की स्थापना की और ये समचोली ग्राम के जमींदार हुए। दीवान मोहकम सिंह जू से यह वंश वृक्ष बढ़ता रहा। हमारी आगामी पीढ़ियां अपने पूर्वजों को जान सके, इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति समर्पित है।